हाउ टू मेक क्वांटम लीप टू मेक बिलियन डॉलर, या जितना भी अमाउंट में आप मनी चाहते हो उसको क्वांटम लीप में जाके और अपनी इस रियलिटी में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब्राहम हिक्स जो प्रोसेस बताते हैं, मैं वही प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता क्वांटम क्या है, क्वांटम लीप क्या होता है, उनको मैं बताती हूँ। क्वांटम वर्ल्ड एनर्जी का वर्ल्ड है, या हमारे तरफ जो हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, एनर्जी का फील्ड है, जहाँ जो भी हमारी इच्छाएं रहती हैं वो सारी वाइब्रेशन के रूप में रहती है। एक्चुअली वी ऑल आर लिविंग इन वाइब्रेशनल यूनिवर्स। जो दुनिया है ये वाइब्रेशन के रूप में रहती, कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं रहती। जैसे ये बुक है, तो इसको भी अगर आप देखोगे, एक विशेष तरह के कैमरे आते हैं जिसमें आपको ये सबके जो एनर्जी का फॉर्म रहता है वो कैप्चर कर सकते हैं और वो हमको दिखाई देता है। सब कुछ मूवमेंट होते हुए दिखाई देगा, हमारी बॉडी भी उसमें मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी। एक लाइट के रूप में हम सब एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो क्वांटम वर्ल्ड है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस और अबंडेंस का वर्ल्ड कहलाता है। मीन्स जैसा हमारा ये यूनिवर्स है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं, और आपकी जो इच्छा है उसकी एक वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी होती है, या उसमें एनर्जी रहती है, या एनर्जी भी लाइट के रूप में रहती है। लाइट है वो सब कुछ। तो जब हम उस वाइब्रेशन के इक्विवेलेंट फील करने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंस्टेंटली आपकी करंट लाइफ में आ सकती हैं। और ये सब कुछ साइंटिफिकली भी प्रूव है, ये केवल फोकस बातें नहीं हैं। जो बहुत बड़ी बड़े साइंटिस्ट रहे, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी की है, इवन आइंस्टाइन से लेके जितने भी, उनने कहीं ना कहीं वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से गाइडलाइन लेके ही काम किया। एक तो वो अपने काम के लिए बिल्कुल फोकस्ड थे। कॉमन मैन या एवरेज मैन की एनर्जी का भी फोकस नहीं रहती, क्लैरिटी नहीं रहती है उसके दिमाग में। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, उसको पता ही नहीं रहता है कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा गोल क्या है। 4-5 साल के गोल तो बहुत दूर की बात है, 5 डे के बाद के गोल नहीं पता रहते। इवन 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, इन सब के गोल नहीं पता रहते कि हम एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं, क्या बनना चाहते, किस चीज़ पे फोकस है। तो वो क्लैरिटी ना होने की वजह से हमारे जो वाइब्रेशन रहते हैं वो भी क्लियर नहीं रहते। कन्फ्यूजियस सिग्नल जब हम यूनिवर्स में भेजते हैं तो वही आते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वांटम वर्ल्ड या क्वांटम लीप जो आपको लेना है, या फिर जो एक दूसरा वर्ल्ड है जिसमें वो सारी डिज़ायर जो आप चाहते हो, चाहे बिलियन डॉलर हो, या आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट जिस पे आप विश्वास करते हो, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 10,000 हो सकता है, जिस पे आपको भरोसा है कि हाँ ये अमाउंट मेरे पास होना चाहिए, या मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, या मेरे लिए ये मैनिफेस्ट करना आसान है। क्योंकि बिलीव इज़ गेम चेंजर, आपको विश्वास होगा तभी वो आपके पास आएगा। इफ़ यू बिलीव यू कैन सी इन योर हैंड, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। वैन डायर ने इस पे तो बुक भी लिखी है एक। तो बिलीव होना चाहिए, और उतना अमाउंट आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि हाँ इतना अमाउंट है। और फिर उस अमाउंट को आपको कुछ दो तीन पॉइंट्स में बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको सोचना है कि वो अमाउंट क्या है। देखो, दुनिया में कुछ भी चीज़ है वो एनर्जी है, इसको आपको समझना है। और आपके पास जो मनी है वो भी एनर्जी है, भले वो कैश के रूप में हो, या चेक के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो। और उसकी जो फीलिंग रहती है वो आपके दिमाग में रहती है। मान लो आप कहीं शॉपिंग करने गए, आपके पर्स में बहुत सारे कार्ड हैं जिसमें अनलिमिटेड मनी है, आपके पास कैश भी पड़ा है, 1 लाख 2 लाख जितना आपको चाहिए वो पड़ा है, तब आप उस शॉपिंग मॉल में कुछ भी लेने जा रहे हो, तब आप कैसा फील करोगे, कैसी एनर्जी आएगी उस? आप वाइब्रेंट फील करोगे, यस आई कैन हैव एनीथिंग, मैं मुझे जो चाहिए मैं ले सकता हूँ। और एक बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपसे रेडिएट होती है। और आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है और आपको ख़रीदना है कुछ भी, आपकी इच्छा है, और आप मॉल में जा रहे हो, तो आपको कैसा फील कर लगेगा? लो फील होगा कि नहीं मैं नहीं ले सकता हूँ। तो वो सारा एनर्जी का खेल है। जो भी पैसा है वो क्या फील कराता है? एक्सुबरेंट मीन्स एक सुपर एक्साइटिंग
काइंड ऑफ एनर्जी रहती है ना, जो वो फील कराता है। तो मनी की जो फीलिंग है, मनी अनलिमिटेड है आपके पास, उसकी जो फीलिंग है, जैसे फ्रीडम की फीलिंग है, चूज करने की फीलिंग है, और मैं कुछ भी ले सकता हूँ, उसकी जो फीलिंग है, यही फीलिंग एनर्जी की, जो ये जो एनर्जी है ना, सेम यही एनर्जी उस अमाउंट की रहेगी जो कि आप क्वांटम फील्ड में जाके अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो यही बात है कि जितना अमाउंट आप चाहते हो उसमें क्लियर रहना है कि हाँ, मुझे 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, और उतना ही अमाउंट वो उसको समझना है कि ये क्या है, एनर्जी है, और वो एनर्जी आपको फील करनी है मेंटली, वैसी जो भी आपको फीलिंग आए आप इमेजिन कीजिए। 5 मिनट का समय निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी एक क्वाइट प्लेस पे बैठिए, और उसके बाद में आपको वो फीलिंग क्रिएट करना है कि वो उतना पैसा आपके पर्स में है, आप उससे जो चाहते हो इन्वेस्ट करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, कुछ किसी को देना चाहते हो, जो चाहते हो उसको इमेजिन करना है, और किस रूप में, एनर्जी के रूप में, क्योंकि एनर्जी तो अभी इस टाइम भी प्रेजेंट है, आप वीडियो देख रहे हो, आपके पास भी एनर्जी जा रही है, आप सब सुन पा रहे हो, ये किसके थ्रू सुन पा रहे हो, मेरी आवाज़ जो सुन पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट, यूनिवर्स, इस वर्ल्ड में जो चीज़ें, साउंड वेव्स जा रही हैं, सेटेलाइट उसको कैच कर रहा है, फिर वो आपके फ़ोन पे जा रही, फिर आपके ईयर में जा रही, फिर उसको वो कन्वर्ट कर रहा, फिर उसका जो मीनिंग है वो आप समझ पा रहे हो, और फिर वो फील क्रिएट कर पा रहे हो। तो हम भी आपस में कनेक्टेड हैं, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, तो जो आप डिमांड चाहते हो वो भी ऑलरेडी वहीं है और आपसे कनेक्टेड है, बस आपको उसको ऐसे समझना है कि हाँ, ये एनर्जी है। 5 मिनट आप उसको फील कीजिए, आप जो लेना चाहते हो, जो करना चाहते हो उसको करिए, उसको सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप कुछ खरीदना चाहते हो तो उसको टच करके देखिए कैसा है, क्या है, 5 मिनट आपको उसी फीलिंग में रहना है। उसके बाद आपको जो थर्ड चीज़ है वो मैं बताऊंगी। जैसे हम कनेक्टेड है, वैसे ही यूनिवर्स से सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। मान लो बारिश हो रही है बहुत तेज और आपने छाता लगा लिया, तो क्या आपके पास बारिश आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। वैसे ही हमारा फादर, गॉड, ईश्वर, जो आप नाम लेना चाहो, वहाँ हम जो चाहते हैं वो ऑलरेडी डन है, बट वो हमारी लाइफ में तभी आएगा जब हम ये छाता निकालेंगे। और ये छाता किस चीज का है? ये छाता है आपके बिलीफ का, क्योंकि हमको लगता है ना, जैसे अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं, बटन को मैनिफेस्ट करो या कैसल को मैनिफेस्ट करो, एनर्जी एक उतनी ही लगती है। 1 रुपये मैनिफेस्ट करो या 1 करोड़ मैनिफेस्ट करो, एनर्जी उतनी ही लगती, फोकस भी उतना ही होता है, सिर्फ वहाँ पे बिलीव आपका रोकता है या उसको डिले करता है। बिलीव कैसा? हमको लगता है 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये मुश्किल है, क्योंकि हमको चारों तरफ कोई ऐसा दिखता नहीं है जिसने ऐसे मैनिफेस्ट किया, और जो मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर चुके रहते हैं वो हमारे आसपास रहते ही नहीं, हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ही अलग हो जाती है, और जरूरी नहीं है वो हर चीज हमको सिखाएं, तो इस कारण हमको भरोसा नहीं रहता है उस चीज पर। पर आप खुद एग्जाम्पल बनिए, आप खुद उसको करके देखिए। मैंने खुद 5-6 महीने में इतनी सारी चीजें मैनिफेस्ट की, तब जाके मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, एंड आई कैन फील दैट एनर्जी, मैं उसको फील कर पाती हूँ अब मेडिटेशन में। तो आप ऐसा नहीं है कि उसको फील नहीं कर पाओगे। तो जो बिलीफ सिस्टम है जो बताता है कि स्ट्रगल है हर चीज में, उस बिलीफ को ख़त्म कीजिए। स्ट्रगल बिल्कुल नहीं है, मनी इज़ वेरी इजी। हम जो थॉट्स बार 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 बोलते हैं ना, वही हमारे बिलीफ्स बन जाते हैं। तो आप दिन में कितनी बार वो सोचते रहे, तो बहुत अमाउंट है, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो बहुत बड़ा है, ये आ ही नहीं सकता, ऐसे जादू थोड़े होते, जादू तो जादू की दुनिया में होते, असली दुनिया में नहीं होते। इस तरह के जो निगेटिव बिलीव हैं, पहले इसको ख़त्म कीजिए। देर इज़ नो स्ट्रगल। आप कभी ऊंची रोड पे या हिल पे चढ़ के देखे हो, देखो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी देर चढ़ते हैं और थक जाते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस भरा रास्ता अगर आप अपनाओगे तो आप थक जाओगे। और जो अब्राहम हिक्स बताते हैं, रेजिस्टेंस फ्री रास्ता, मतलब फ्लो में चलना, खुश रहना, जो चीज़ चाहिए उसको क्लैरिटी से यूनिवर्स को बताना, वो ऐसे काम करता है जैसे आप हिल से नीचे, या गाड़ी मान लो पहाड़ से नीचे जा रही है, तो वो
उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता, इवन फ्यूल भी नहीं लगता, वो बहुत स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के नीचे आ जाती है। वैसे ही हमारी लाइफ में हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और हमारा ये बिलीव है कि ये स्ट्रगल के थ्रू आएगा, तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो स्ट्रगल एक्चुअली स्ट्रगल फ्री रास्ता है जो अब्राहम हिक्स बताते हैं। एक्चुअली ये है भी, जब आप एनर्जी पे काम करने लगते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि सब कुछ एनर्जी है। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे वैसे ही एक्शन लेने पड़े, सिर्फ इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ते हैं एक दो और आपकी वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो स्ट्रगल नहीं करना, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो अगर वो उसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल स्ट्रगल लेस रास्ता आपको अपनाना है, मीन्स आपको हर पल हर समय खुश रहना है, बस यही है। आपको आपको लगेगा ये खुशी का और उस पैसे का क्या रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारी एनर्जी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी सब हाई रहती है और वो उसी अमाउंट से मैच करती है। तो खुश रहना है और खुश रहते हुए ही आपको वो सब कुछ फील करना है, और अगर आपने एक बार वो सारी चीज़ें फील कर ली तो पूरे दिन अच्छा ही अच्छा काम होगा। और इस तरह की ये जो प्रैक्टिस है, आप 5 मिनट का टाइम निकाल के मेडिटेशन कीजिए और आप इसको फील करिए और आप इस तरह से क्वांटम लीप में जाके और अपना जितना भी अमाउंट है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। हो सकता है तुरंत हो जाए, हो सकता है कुछ टाइम लगे, बट ये होता है। और मैंने जो आजमाया है, हम कई बार जितना अमाउंट बोलते हैं, हमने 2 या 3 बार किया है इसको, तो हम जितना अमाउंट बोलते हैं ज़रूरी नहीं रहता कि उतना ही आए, क्योंकि ये मेरा बिलीव है। तो वैसे ही आपका बिलीव भी है, बट इसका ये मतलब कि नहीं, ये काम नहीं करता। मेरे पास आया, मैनिफेस्ट हुआ पैसा, बट जितना एग्जैक्ट अमाउंट में था उतना नहीं था, उससे कभी थोड़ा सा कम हुआ है, कभी ज़्यादा हुआ है। बट ये मैंने 3 दिन इसको किया और तीनों दिन मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है, और उसी टाइम हुआ। इसके पहले मैंने किया भी नहीं और मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं कि रिसीव हुआ। इसीलिए मैं ये वीडियो में कह सकती हूँ कि जब आप ये क्वांटम लीप और इस तरह की ये 5 मिनट की प्रैक्टिस करोगे तो आप देखिए, आपको मैसेज के रूप में मनी मिलेगा, या किसी ने गिफ्ट दे दिया उसके रूप में मिलेगा, या कोई चेक मिलेगा, या कोई जॉब ऑफर होगा, बट डेफिनेटली ये काम करता ही करता है। I hope this video will help you to manifest the money, whatever you desire, and we will be meet in our next video. Till then.